ही हो जाओ, बंधु हो, गाड़ी हो और ये सब हो। कैसे लेकिन कैसे होगा, चलता बहुत रात हो गई। अरे अभी तक ही बैठे हो, पूरे दिन से एक लड़की की किताब पढ़ रहे। ये किताब अभी भी नहीं है बेटा तेरी तरह, नहीं है। जाओ जाओ, ये तो वैसे ही दिमाग खराब है, पता नहीं कैसे वैसे है। एक आइडिया आया, अब की बार सारे निकल गए तो हम लोग के लिए मजा आएगा। फिर देखो पैसा ही पैसा, कोई एक तो लगे ही, कोई एक तो लगे ही। अभी लेकिन सारे टिकट लेने के लिए पैसा बहुत चाहिए, बस इसमें कहां सारी नौकरी दे रहे हैं। अरे कहां से पैसे मिलते, कहां से ले बताओ। मेरा बुढ़ाओ कैसे निकाल आएगा, मेरे से पैसे ले लेंगे या बुढ़ाई के कॉर्नर में डालना है, उसमें से सारे पैसे लेकर सारी टिकट ले लेता हूं। हाँ ये आइडिया अच्छा है। गुड बाय गुड बाय। अरे बेटा, अरे क्या तू ये क्या कर रहा है बेटा, कैसा कर रहा है मुरारी आ गए। ये तुम चोरी कर रहा है, चोरी? ए बाबूजी, ए क्या मेरे पैसे लेंगे, मैंने कमाए तुम्हें दिए, तुमने इसका डाल के बक्से में एक मुरारी क्यों है, चोरी नहीं है? तुमने मेरे हुंडी के पैसों की चोरी कर रहा है तू, तो क्या करते? ये मेरे हुंडी के पैसे हैं, क्या करते तुम इसका? ये मैंने इकट्ठे किए थे कि अगली जन्माष्टमी पे मैं मंदिर सजाऊंगा और सबका प्रशान कराऊंगा। छोटे ही सपने देखे, छोटे ही सपने, सारी जिंदगी छोटे सपने देख देखे पाल सपने कर लिए। अरे पूरे गांव को फीस्ट कराऊंगा एक दिन, है? जाओ भी जाओ, यहां में खराब करो, जाओ। आइडिया तो अच्छा है, बहुत सारे पैसे। ये नहीं सुधरेगा, उसको समझाना एक बार, ये नहीं सुधर पाएगा, कोई नहीं देगा, लेकिन एक दिन वक्त इसको जरूर सबक सिखाएगा। बस लौट के ना जाना, सच का मजा आ जाएगा। वैसे खुली आकाश के नीचे सोने में जो आनंद है ना खटिया पे, वो कहीं एयर कंडीशन होता तो और अच्छा होता। कुछ नहीं।
हेलो आवाज कहां से आ रही है? हेलो कमीशन ना चढ़ा दे किसी गरीब का प्यार नहीं हो सकता।
किसी की प्रमोशन नहीं हो सकती, कोई परीक्षा में पास नहीं हो सकता। इकट्ठा बढ़िया है भैया, लेकिन छोड़ो, तुमने क्या याद रखोगे किस अमीर से पाला बना है? हर हजार में 50 तुम्हारा क्या होगा? कितना? 1,050 बहुत बड़ी रकम है क्या? 1,050? हाँ आप बड़े के पालो में। अगर मेरी वो गुल्लक गुल्लक ली जाए, गुल्लक ली जाए, गुल्लक बहुत बड़ी रकम ली लीजिएगा उसमें से, गुल्लक ली जाओ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 1,050। क्या सौदा किया है? अल्लाह 50 950 सपना ही नहीं सच है, एक मिनट सपना नहीं है सच है। कहां से समझ आए कैसे आ जाए? आई नो इज इस प्रकार दिन रात बीतने लगे और एक दिन कुछ दिनों के बाद ही आनंद को एक शुभ सूचना मिली। भगवान की भविष्यवाणी सच हो गई और आनंद की लॉटरी लग गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे भैया इतने दिन बीत गए हैं, रोज सुबह यही सोच के उठता हूं कि आज तो लॉटरी लगी होगी। रोज ही निराशा लगती है, लोटी मारे लगता है मुझे बेईमान है। अरे अमन शायद कल मेरी चिट्ठी पत्नी आई क्या भैया? नहीं अरे नहीं 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 सुन ले, मेरे कान पक गए हैं। कब आएगी? Hare Krishna, Hare
क्या अमन, अमन मेरे राजा, या राजा बैठ बेटा बैठ। देखा तूने कितनी जल्दी हमने सफलता की ऊंचाई को छू लिया। आज हमारे कम से कम 5 शहरों में हमारे आनंद दर्शन हुए। तू जानता तो है बेटा, एक दिन हमारे आनंद गिरा हुआ बेटा, उससे फिर आनंद थापा हुआ, फिर आनंद होटल, हाँ मेरे शेख हमारे इन्वेस्टमेंट। लेकिन बेटा काम करते करते अपना बहुत थक गए, अब मैं चाहता हूं थोड़ा आराम, इसी मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा मुंबई का प्रोजेक्ट है उसे तब से मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि मैं मेरी सफलता की ऊंचाई को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। आनंद रेस्टोरेंट का नाम पिताजी गांव गांव शहर शहर पर बाढ़ की तरह फैल जाएगा, और जहां आप लाइन में खड़े होते थे वहां जहां खड़े हो जाओगे वहां से लाइन शुरू होगी। वाह वाह मेरे से वाह, मुझे गर्व है कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। शाबाश देव से शाबाश, बहुत ही आराम महसूस कर रहा हूं अपने जिम्मेदारी में। बोल अब लेकिन एक और जिम्मेदारी बेटा, ये बच्चे को बुलाओ। चैन चैन पॉक्स पॉक्स कौन से क्या भी कौन है पॉक्स चैन कौन चैन और क्या योगा भी। अरे आ अरे अरे ताली मारते थे अभी चैन 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 का समझ नहीं पाते। अच्छा ओके
और तू फिर भी मेरे सारे बड़े सुन नहीं नहीं जाओ जाके घुड़सवारी करो स्विमिंग करो शूटिंग करो अरे वह सब करो जो हमें बाकी उड़ाने के लिए पता लगा चाहिए बोले सबको तुम्हारा ही अरे नहीं कहो पता है तेरे को करो हाँ कार के साथ दो संस्कार नहीं तो हो जाएगा बेकार कार के साथ संस्कार भी देखो बेकार ले रही है कार बाबू जा रहे हमेशा आपकी बात बताओ पैसों से कार संस्कार सब खरीद सकते हो आप अरे पता है संस्कार जो इसे क्या कहते हैं मैनर्स मैनर्स सब आता है पैसों से संस्कार सिखाई गई टीचर ने उनसे पूछ जाके संस्कार क्या होता है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई बोलो बोला था नहीं कोई नहीं चिंता मत करो तू जाओ मजे करो होते हैं और
VIP service. Amazing. 24 hours. चलो तो शेयर करा दूं होटल की. तुम्हारा होटल अभी खुला है क्यों? नहीं, 24 hours. चलो शेयर करा दें. एक मिनट, मेरा कहीं फोन बज रहा है. फोन ले बता. तुम इतना उदेश जगह ज्यादा मशहूर इनका कॉल है. क्या करें आजकल लोग बहुत व्यस्त हैं. हाँ जाना कैसा बनाना है मुझे. हेलो. हाँ अहंकार की आवाज का समय आ गया था. अभी तो आनंद सातवें आसमान पर उठ रहा था, किंतु भगवान ने हवा का हल्का सा झोंका लगाया और उसको आसमान से जमीन पर गिरा दिया. इससे हमें एक शिक्षा अवश्य मिलती है कि जीवन में हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आज जो कुछ हमारे पास है वो तो भगवान की कृपा की वजह से है. जो भी कला, धन, संपत्ति, परिवार, ऐश्वर्य और जिस ऊंचाई पर कोई भी व्यक्ति पहुंचा है वो भगवान की अद्भुत कृपा के कारण पहुंचा है. जब वही व्यक्ति भगवान की कृपा को भुलाकर अपने को कर्ता मान बैठता है, उसको भगवान क्षण भर में भूल चला देते हैं. भगवान के इसका यही स्वभाव है कि वह कभी भी बेटा अमन, बेटा अमन. यस सर. बेटा ठीक है. डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. डैड बोल. बेटा बोल. अब बात करने के लिए मुझे पर्ची की जरूरत पड़ेगी. है? मेरा कल मुर्दा है डैड. मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं जो भी मेरे जितने भी होटल हैं, जितने भी प्रॉपर्टी हैं, मैं उसको अलग कर देना चाहता हूँ. नोटिस दिया तुमने मुझे? अरे क्यों अलग कर देना चाहता है? ये सब मैं किससे लेकर रहा हूँ? इधर उधर ये सब मैंने किससे ले चुका? तुम्हें दोनों मिले चुना है, तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ मैं. आप सेंटिमेंटल हो रहे हो रहे. आज नहीं तो कल ये होना ही है. तू खत्म ही नहीं सोचे. अरे इस दिन के लिए पाले पाले तुझे, इस दिन के लिए कि तू बुढ़ापे में मेरे को जोर से दांता है कला जाएगा. सर वो कहा होता था, आज पे होता था. पहले तुम दोनों को निवारे देता था, फिर अपना पेट भरता था. अरे किसी किसी दिन तो घूम करके सोया आएगा आनंद. आपको अपने होटल और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों से प्यार है. आपको सिर्फ अपनी इज्जत से प्यार है, झूठी इज्जत से प्यार है पिता जी. अरे क्या एक झूठी कॉल नहीं ले पाते तू? अपनी जायदाद से बेटा का कर्म करके क्या यहां से? आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है पिताजी, लेकिन अब हम कोर्ट में मिलेंगे. हाँ हाँ कोर्ट में. कोर्ट में मुलाकात होगी. जिंदगी के लिए मैंने कुछ से कोर्ट को पैसा किया था, मुझे कोर्ट के कोर्ट में मुलाकात होगी पिताजी. हे भगवान, हे भगवान. मेरे बच्चे मुझे कोर्ट के दरवाजे में अब तो सिर्फ मुझे चैन का ही सहारा है. बेटा चैन, बेटा चैन, बेटा चैन.
चिंता नहीं होगी, वो बड़ा सर अभी हो गया ध्यान जरूर कर लो, काम आएगी। ये है तेरा मैसेज।
माइसिन हाँ ये है सोफ्रा माइसिन माइसिन ये है ये ग्लूकोमाइसिन माइसिन माइसिन ये है नीरन नीरन संजीवनी माइसिन हाँ Thank you.